हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट आर देर यूजेस इन जनरल ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट फर्स्ट है हमारे पास एक्स एंड थम फॉर ठीक है काम क्या है इसका होल्ड करता है मैन्यूपुलेट करता है डेलिकेट टिश्यूज को देखते हैं कैसा होता है ठीक है होल्ड करने के काम आते हैं जैसे घर पे ट्वीजर्स होते हैं जस्ट लाइक दैट ओके होल्ड करता है मैनिपुलेट करता है जो भी डेलिकेट या लाइट टिश्यूज होते हैं ठीक है जो क्रूशल टिश्यूज होते हैं उनको ये होल्ड uh, करने के काम आता है ओके नेक्स्ट वी हैव एलिस टिश्यू फोर्सेप एलिस टिश्यू फोरसेप्स आर यूज फॉर ग्रास्पिंग ऑर्गन स्लिपरी और डेंस टिश्यू ड्यूरिंग सर्जरी तो जब हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं ठीक है तब जब हमें ऑर्गन जो कि स्लिपरी हैं या डेंस टिश्यू है मोटा टिश्यू है उसको हमें पकड़ना है तो हम इसका यूज करते हैं ये है हमारा एलिस फोरसेप ठीक है यहाँ से आप इसके एंड्स देख सकते हो इनसे आप रिकोगनाइज कर सकते हो इसको क्लियरली ओके okay? और आगे से माउथ क्लोज होता है इसका ओके नेक्स्ट वी हैव आर्टरी फोरसेप दिस इज यूज फॉर ग्रास्पिंग कम्प्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंड ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन लाइगेशन क्या होता है जब हम किसी चीज को टाई कर रहे हैं बांध रहे हैं किसी टिश्यू को तो जो हमें टिश्यूज पकड़ने हैं तो उसको ग्रास्प करने में उसको होल्ड करने में ये यूज होता है ये होता है हमारा जनरल आर्टरी फोर्स हैप ओके देन वी हैव राइट एंगल आर्टरी फोर्स हैप ये किस लिए यूज होता है आइसोलेट इन सर्कल एंड लाइगेट वेस्टल्स और डग स्पेशली दो प्रेजेंट इन डेप्थ जो डीप में प्रेजेंट है देख रहे हो आप ऊपर से इसका कैसे नोच मुड़ा हुआ है एक साइड को राइट right एंगल्ड है ठीक है तो ये जस्ट क्या है जो डीप में टिश्यूज है उनको अलग करने के लिए ठीक है उनको लाइगेट करने के लिए उनको पकड़ने के लिए हम इसका यूज करते हैं राइट एंगल आर्टरी फोर्स जस्ट लाइक एन आर्टरी फोर्स बट इसका आगे से एंगल राइट की तरफ है ओके okay? दैन वी हैव कॉर्चर्स फोर्स है ये तो कॉमनली आपने देखा होगा प्रैक्टिकल्स में बहुत पूछते हैं ठीक है किस लिए यूज़ होता है ये होल्ड करने के लिए रिट्रैक्ट करने के लिए कट एंड ऑफ द वेसल्स इन टफ फाइब्रस टिश्यू मतलब देख रहे हो आगे से कैसे पॉइंटेड है ये ठीक है तो रिट्रैक्टिंग करने के लिए जो मतलब हमने कटेंड हैं जो भी है वेसल के उसको पकड़ने के लिए ठीक है जब रिब सेक्शन करते हैं तब रिब्स को होल्ड करने के लिए ठीक है और अगर हमें आर्टिफिशियल रप्चर करना है जिस स्टेशनल मेम्ब्रेन का आपने ओबीजी में पढ़ा होगा तो उसके पर्पज से भी कोचर फोरसेप को यूज करते हैं ओके देन वी हैव बैबकॉक फोरसेप ओके यूज टू ग्रास्प डेलीकेट टिश्यूज़ इन लेज़र प्रोसीजर जब भी कोई लेज़र प्रोसीजर कर रहे हैं तो डेलीकेट टिश्यूज़ अगर होल्ड करने हैं तो हम बैप कॉप फोर्सेप uh, यूज करते हैं ठीक है दे आर फ्रीक्वेंटली यूज विद इंटेस्टाइनल लेप्रोटमी प्रोसीजर्स लेप्रोटमी प्रोसीजर्स कौन से होते हैं जब आप एबडोमिन पे इंसीजन देते हो दैट इज कॉल्ड लेपरॉटमी ठीक है या आपको इंटेस्टाइनल प्रोसीजर करना है तो उसके लिए ये होता है देख रहे हो आगे से कैसा एक लेंस सा कर्व सा बना हुआ है ये ठीक है तो ये हमारा डेलीकेट uh, इश्यूज को होल्ड करने के लिए होता है ओके देन वी हैव कॉटरी और इलेक्ट्रो कॉटरी कॉटरी का काम क्या होता है जस्ट रिमूवल ऑफ अनसाइटली वर्ड्स जो मतलब गंदे दाग मस्से मुंह पर होते हैं ठीक है जैसे कोई तिल वगैरह है अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो वो कॉटरी का यूज करके ये वो रिमूव कर देते हैं देखो आगे से पिन पॉइंट है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक होता है ठीक है करंट पास करता है जस्ट वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है बर्न कर देता है ठीक है टू बर्न और कॉगुलेट द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ टिश्यूज ओके देन वी हैव चिटल फोर्स अब ये तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा है ना यूज टू रिमूव स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम बॉयलर्स एंड फॉर्मलिन इन कैबिनेट्स जब आपने कोई चीज़ रखी होती है स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए आपने बॉयलर्स में या कैबिनेट्स में रखे हैं कोई गॉस पीस वगैरह रखा है तो उठाने के लिए हम चिटल फोरसेप का यूज़ करते हैं ठीक है इसको हम एक कंटेनर में रखते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट में डूबा होता है जब ये मिथाइलेटेड स्पिरिट डाला अपने किसी कंटेनर में उसमें डिप करके रखते हैं वैन नॉट इन यूज जब होता है तो निकाल के जस्ट आप उस पर्टिकुलर चीज को निकाल सकते हो ठीक है बॉयलर या कैबिनेट से ओके देन वी हैव डिवर्स रिट्रैक्टर अभी डिवर्स रिट्रैक्टर क्या है यूज टू होल्ड बैक द एबडोमिनल वॉल ड्यूरिंग एबडोमिनल और थ्ररेसिक प्रोसीजर जब भी कोई थ्रेसिक प्रोसीजर है एबडामिनल प्रोसीजर है तो एबडोमिनल वॉल के जो लेयर्स हैं उनको होल्ड करके रखने के लिए उनको बैग धक्का लगे ताकि मतलब उन्हें बैक पुष मिले तो डिवर्स रिट्रैक्टर का हम उसमें यूज कर सकते हैं ठीक है जस्ट लाइक स्पैचूला है ना फिर है हमारे पास डोन्स टाल क्लिप तो डोन्स टाल क्लिप क्या है यूज टू फिक्स ड्रेपिंग टाल यूज फॉर फिक्सिंग सक्शन ट्यूब्स अब देखो ये जस्ट होल्ड करके पकड़ के रखने के लिए जैसे अगर टावल ड्रेप करना है उस या हमें सक्शन ट्यूब्स होल्ड करनी होती है उसके लिए ठीक है ये जस्ट एक लाइक क्लिप टाइप होता है वैसा ही है फिर है डोन्ज रिट्रैक्टर अब डोइंज रिट्रैक्टर के थोड़ा सिमिलैरिटी आगे से मो, आ, मोल्डेड है ये दोनों ये पेल्विक सर्जरी में यूज़ होता है ठीक है ऐसा सा ओके देन वी हैव वॉकमेंस रिट्रैक्टर और कैट पो जस्ट लाइक जैसे कैट uh, का पंजा होता है आगे से बिल्कुल वैसी शेप का है ये तभी इसका नाम रखा है कैट्स पो या हम इसे बोलते हैं वॉकमेंस रिट्रैक्टर ओके रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड टफ फेशिया ये रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है स्किन को उठाने में हेल्प करता है या टफ फेशिया जो हार्ड मसल्स हैं ठीक है हार्ड स्किन है उसको होल्ड करने में हेल्प करता है ओके okay? दैन वी हैव मेयो स्टोबल क्लिप ठीक है मेयस टाल क्लिप में क्या है ये ड्रेप फिक्स करता है ताकि एक्सपोज कर सके कर सके सिर्फ ऑपरेटिव फील्ड मतलब ये होल्ड करके रखता है ताकि सिर्फ जो जिसपे हम ऑपरेट कर रहे हैं वही एरिया हमें विजिबल हो ठीक है ऑल्सो यूज टू फिक्स कॉटरी वायर इन मैनर दैट दे डू नॉट फॉलो और कॉटरी हमने पीछे पड़ा है कॉटरी के अगर वायर्स को होल्ड करके रखना है ताकि वो बीच में ना आए तो भी हम इस मेयोस टाल क्लिप का ये जस्ट क्लिप्स किस लिए होते हैं ये होल्ड करने के लिए होते हैं ठीक है चीज़ों को देन वी हैव मोर इज डबल एंड एंडेड रिट्रैक्टर ये इसका काम क्या है रिट्रैक्ट करके रखता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जैसे कि अब डोमिनल वॉल मसल्स हो गए ठीक है एक वाइडर स्पेस प्रोवाइड करता है हमें ताकि हम काम कर सकें ठीक है देख रहे हो कितना वाइड है ये एक साइड से यहाँ से ये यह होल्ड करके रखेगा और एक साइड से यहाँ से ये यह होल्ड करके रखेगा ताकि हमें एक बीच का एरिया मिल जाए वर्क करने के लिए ओके देन वी हैव मास्किटो आर्टरी फोर्स एप या स्मॉल आर्टरी फोर्स एप ये तो आप सभी ने देखा होगा ठीक है एज अ हीमोस्टेट भी इसको यूज कर सकते हैं ब्लड रोकने के लिए ठीक है कोई कट एज है उसको पकड़ने के लिए भी ठीक है एप्सेस को ओपन करने के लिए भी या कोई सूचर के फ्री एंड हैं उसको पकड़ने के लिए भी हल्का सा ये टिल्टेड होता है एक साइड को इस छोटा भी होता है साइज में पता ही लग जाएगा स्मॉल आर्टरी फोर्स एप में ओके तो so, फिर है हमारे पास नीडल होल्डर ये तो सब ने ही देखा होगा नीडल होल्डर इससे क्या करते हैं जो सूचरिंग नीडल है हम जो वून को क्लोज करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स में काम आती है नीडल्स उसको होल्ड करने के लिए ये नीडल होल्डर होता है जस्ट लाइक like घर की कैंची बिल्कुल वैसा होता है ठीक है सीजस सीजर्स तो आप सबने देखी होंगी ये कॉमन सीजस है तरह तरह की हमें दिख जाती हैं ठीक है शार्प ब्लंट डाइसेक्शन करने के लिए कटिंग लाइक गॉज वायर आपको कोई चीज़ काटनी है कोई गॉज पीस काटना है कुछ भी काटना है ठीक है तो उसके लिए यूज़ होती है ओके सो ईयर सिरिंज ई ईयर सीरेंज क्या है इंस्टिल करने के लिए इरिगेटिंग सॉल्यूशन इनटू द एयर कोई इरिगेटिंग सॉल्यूशन अगर हमें कान में डालना है तो हम इसका यूज़ करते हैं ओके okay? देखो कितनी बड़ी है दैन वी हैव स्पूटम मग ये तो सभी ने देखा होगा स्पूटम मग में हम क्या करते हैं एक्सपेक्टोरेंट अगर हमें कलेक्ट भी करना है या हमारे पास कोई पेशेंट एडमिट है ठीक है उसको ज़्यादा स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम ये दे सकते हैं ओके सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो डू कमेंट बिलो एंड डू नॉट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो एंड थैंक यू